दोस्तों आज हम लोग बनाएंगे चिकन भुना मसाला बिल्कुल देसी और आसान तरीके से। चिकन बनाने का इससे आसान तरीका आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। बड़े तो क्या, बच्चे भी इस चिकन की रेसिपी को बहुत ही इजीली बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रोमा। कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। सबसे पहले हम चिकन को पानी से धोकर अच्छे से साफ़ कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 750 ग्राम चिकन लिया है। 750 ग्राम चिकन में हम 650 ग्राम प्याज लेंगे। प्याज को बारीक काट लेंगे, बहुत ही ज़्यादा बारीक नहीं काटना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा काटना है। आप देख सकते हैं इतना ही मोटा प्याज को काट लेंगे। सारे प्याज को इसी तरह से काट लेना है। दोस्तों अगर आप 1 केजी चिकन बनाइएगा तो प्याज की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिएगा। 1 केजी चिकन में 750 ग्राम प्याज लगेगा। तो प्याज को बारीक काट लेंगे। अब हम कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और हम इसमें डालेंगे 5 चम्मच कुकिंग ऑयल, 6-7 सूखी लाल मिर्च, 3-4 तेज पत्ता और प्याज को डाल देंगे और प्याज को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। पहले प्याज को अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है हाई फ्लेम पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्याज सॉफ्ट हो चुका है और अब हम इसमें चिकन डाल देंगे और अब प्याज के साथ चिकन को मिक्स कर देंगे अच्छे से। और अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। नमक और हल्दी के साथ प्याज और चिकन को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे ढक देंगे और ढक कर 10 मिनट अभी हम इसे नमक और प्याज के साथ पकाएंगे। चिकन और प्याज को नमक और हल्दी के साथ 10 मिनट इसलिए पकाएंगे ताकि प्याज अच्छी तरह से इसमें गल जाए। और अब हम इसमें बाकी का मसाला डालेंगे। तो हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। मिर्च की क्वांटिटी को आप बढ़ा या घटा भी सकते हैं। अच्छे से मसालों को मिक्स कर देंगे और अब हम इसे ढक देंगे और ढक कर मीडियम टू लो फ्लेम पे अब हम इसे पकाएंगे। और अब हमें चिकन को मीडियम टू लो फ्लेम पे भूनना है। तो हर 5-7 मिनट के बाद हम चिकन को खोलेंगे और इस तरह से इसे हम चलाएंगे। अगर कढ़ाई में नीचे मसाला बैठ जाएगा तो इसे हम इस तरह स्पैचुला से सारे मसाले को निकाल देंगे। सारे मसाले को कढ़ाई से अलग करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हम चिकन को भूनेंगे और इस तरह से हम इसे चला देंगे और वापस से इसे हम ढक देंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि चिकन में से तेल अलग होने लगेगा और आप चाहें तो इसमें 6-7 हरी मिर्च को भी डाल सकते हैं, यह ऑप्शनल है। और थोड़ा सा हरा धनिया भी, हरा धनिया और हरी मिर्च दोनों ऑप्शनल है। अगर आप तीखा कम खाना पसंद करते हैं तो आप इसे ना डालें। वापस से हम इसे ढक देंगे और आप देख सकते हैं कि चिकन में कितना अच्छा कलर आ गया है। चिकन अच्छे से भुन गया है। तो 30 मिनट के बाद, चिकन को 30 मिनट अच्छे से भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा चिकन मसाला। अगर आप चिकन मसाला नहीं भी डालेंगे तब भी आपका चिकन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और अब हम इसे अच्छे से मिला देंगे और इसे ढक देंगे और ढक कर 5 मिनट तक इसे हम लो फ्लेम पे पकाएंगे। उसके बाद गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे। तो चिकन भुना मसाला बनकर तैयार है। आपने देखा ना इस चिकन को बनाना कितना आसान है। और इसे बनाने में मुझे 35 से 40 मिनट का टाइम लगा है। 35 से 40 मिनट में आपका चिकन बनकर रेडी हो जाएगा। एक बार इस चिकन की रेसिपी को मेरे तरीके से बना कर देखिए, आपको चिकन बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब आप इसे चावल के साथ खाइए या रोटी के साथ खाइए या पराठे के साथ खाइए या पोहा के साथ खाइए, किसी भी चीज़ के साथ खाइए। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसे बनाना कितना आसान है आपने देखा है। जल्दी मिलते हैं ऐसे ही इजी टेस्टी नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। बाय बाय।